Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about India's coastal सिक्योरिटी. तो देखेंगे इसमें हाल फिलहाल में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कैसे एक मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर को अभी अपॉइंट किया गया है, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. तो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले इंडिया का कोस्ट लाइन को लेकर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. सो इसी लैंड बाउंड्री तो हमें पता है, इन तमाम देशों के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश. लेकिन हमारी एक बहुत ही लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री भी है या कोस्ट लाइन भी है. तो अगर मैरीटाइम बाउंड्री की बात की जाए तो इट इज़ अबाउट 7,516 किलोमीटर लॉन्ग. उसमें से 5,422 किलोमीटर जो लेंथ है वो हमारे मेनलैंड का कोस्ट लाइन है, जबकि रिमेनिंग लगभग 2094 किलोमीटर जो है दैट इज़ द कोस्ट लाइन फॉर द आइलैंड्स. अगर कोस्टल एरियाज़ की बात की जाए तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है. देखिए हमारे देश का लगभग 90% से भी ज़्यादा जो ट्रेड होता है एज़ फार एज़ ओवरऑल वॉल्यूम इज़ कंसर्न, या फिर 75% से भी ज़्यादा ट्रेड एज़ फार एज़ वैल्यू इज़ कंसर्न, यानी कि जितना भी ट्रेड होता है उसका 75% से भी ज़्यादा वैल्यू वाला ट्रेड इन्हीं कोस्टल एरियाज़ की मदद से होता है, पोर्ट्स की मदद से होता है. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टल एरियाज़. कोस्टल एरियाज़ को का सर्विलेंस और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज इंडिया की पूरी जो ट्रेड है वो इसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. हमारे कोस्टल एरियाज़ में इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड अबाउट 200 माइनर पोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं. जो 13 मेजर पोर्ट हैं वहाँ पे मैंने यहाँ नाम लिख करके दे दिया है. कांडला पोर्ट इन गुजरात, देन मुंबई एंड JNPT इन महाराष्ट्र, देन वी हैव मर्मगांव पोर्ट इन गोवा, देन मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका, कोची इन केरला, देन तूतीकोरिन, एन्नौर एंड चेन्नई, 3 हैं यहाँ पे तमिलनाडु में. इसके अलावा विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पारादीप इन उड़ीसा एंड हल्दिया पोर्ट जिसको कोलकाता पोर्ट भी कहते हैं दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल. हल्दिया बिल्कुल कोस्ट पे है, कोलकाता पोर्ट थोड़ा सा अंदर में है. सो एंड दिस इज़ हाउ वी हैव 13 मेजर पोर्ट्स. और अब जरा बात करते हैं कोस्टल सिक्योरिटी की हमें क्यों ज़रूरत है, वाई वी नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कोस्टल सिक्योरिटी. तो तमाम जो स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि गोल्ड या नारकोटिक्स या एक्सप्लोसिव्स, ये इन सब को ज़्यादातर कोस्टल एरिया से ही स्मगल किया जाता है. तो कोस्टल एरिया में सर्विलेंस की हमें ज़रूरत है. मैरीटाइम टेररिज्म, ओसन के अंदर जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हाईजैकिंग, अटैकिंग, सिंकिंग ऑफ शिप्स या पायरेट्स जो होते हैं, काफ़ी सोमालिया के पायरेट जो इस एरिया में एक्टिव हैं इंडियन ओसन के, अरेबियन सी के रीजन में, उन की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए वी नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कोस्टल सिक्योरिटी. एंड देन टेररिस्ट अटैक्स, हमारे देश के अंदर जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो टेररिस्ट हैं दे यूज़ द ओशन रूट ओनली टू इंटर इनटू आवर कंट्री. सो इस कारण से कोस्टल सिक्योरिटी की को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल यू सी जो 26 नवंबर 2008 को हमारे देश के अंदर मुंबई पे अटैक हुआ था, वो जो टेररिस्ट थे, जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, दे केम वाया सी रूट ओनली. उसके अलावा तमाम जो इन्फिल्ट्रेशन है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स, ये भी कोस्टल एरिया से होता है. इसलिए हमें कोस्टल एरियाज़ को बेहतर तरीके से सिक्योर और सर्विलेंस की ज़रूरत है. अभी कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे देश में वो भी ज़रा देखते हैं. देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो, वैसे तो पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, UNCLOs के हिसाब से, ये एक इंटरनेशनल कानून है, उसके हिसाब से किसी भी देश की टेरिटरी से लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक, ओसन के अंदर जो माइल्स को हम लोग कहते हैं नॉटिकल माइल्स, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया को कहा जाएगा टेरिटोरियल सी, यानी कि ये जो पानी है, यहाँ का जो भी रिसोर्स है, ये ज़मीन, ये पूरी तरह से इस देश को बिलोंग करेगा, इस देश का हिस्सा माना जाएगा. यानी कि यहाँ इस कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा माना जाएगा. लेकिन कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक तो टेरिटोरियल, और 12 से लेकर के टोटल 24 तक को हम लोग कहेंगे कॉन्टिगुअस जोन. कंटीगुअस जोन में कैसा है कि आपके जो कोस्ट गार्ड्स वगैरह हैं वो जा करके वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर दूसरे शब्दों में इस जोन का, इस लाइन का अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊँ तो कोई भी फॉरेन शिप अगर इस एरिया में घुसता है तो पहले उसको आपसे परमिशन लेना होगा। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंटीगुअस जोन। उसके अलावा बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कैसा है, अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, यहाँ का जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स है जैसे कि फिशेज हो गई या ग्राउंड से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स, ये सब इस देश को बिलोंग करेगा। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हो जाता है EEZ। अगर दो देश EEZ शेयर कर रहे हैं जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश यहाँ शेयर करते हैं EEZ, तो उस केस में दोनों ही देश आपस में कंसेंसस के बेसिस पे अपना EEZ डिवाइड कर लेते हैं, और अगर वो कंसेंसस ना बना पाए तो फिर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉज ऑफ सी होता है जहाँ पे ये लोग केस रजिस्टर कर सकते हैं। और यही हुआ था इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के केस में। इंडिया बांग्लादेश का कंसेंसस नहीं बन पा रहा था कि कितना होगा मैरीटाइम बाउंड्री, तो फिर द मैटर वॉज रिजॉल्व्ड इन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। तो ये सब कारण है कोस्टल सिक्योरिटी क्यों हमें चाहिए, और ये है कोस्टल प्रोटेक्शन, कोस्टल मार्किंग कि कहाँ तक टेरिटोरियल वाटर, कहाँ तक कंटिगुअस जोन, कहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद का एरिया कहा जाता है हाई सी। हाई सी मतलब वो एरिया जो किसी भी देश को बिलोंग नहीं करता, यहाँ से कोई भी रिसोर्स कोई भी देश निकाल नहीं सकता। अब अगर कोस्टल डिफेंस की बात की जाए तो यहाँ पे 3 लेयर का डिफेंस है। पहला होता है मरीन पुलिस, तो जो जो स्टेट है, मान लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की जो पुलिस होगी वो मरीन रीजन को पहले प्रोटेक्ट करती है। तो पहला तो प्रोटेक्शन या सेफगार्डिंग होता है बाय मरीन पुलिस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये जो मरीन पुलिस है ये टेरिटोरियल सी तक गार्डिंग करती है, यहाँ तक टेरिटोरियल जोन तक गार्डिंग करती है। फिर होते हैं कोस्ट गार्ड्स। कोस्ट गार्ड जो है वो EEZ तक गार्डिंग कर सकते हैं, जुरिडिक्शन होता है कोस्ट गार्ड का EEZ तक। तो देखिए सेफ गार्डिंग का काम, प्रोटेक्शन का, सर्विलेंस का, जिसको आप लोग कहते हैं ना निगरानी करना, निरीक्षण करना, मतलब सर्विलेंस करने का काम स्टेट मरीन पुलिस का होता है और कोस्ट गार्ड का होता है। जो नेवी होती है उसका काम निगरानी करना नहीं होता है, नेवी का काम होता है काउंटर अटैक करना अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक वैसे ही जैसे BSF और ITBP ये सब निगरानी करते हैं, सर्विलेंस करते हैं नॉर्मल टाइम में। अगर ऑफेंसिव फोर्सेस की ज़रूरत पड़ी, अटैक करने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर बुलाया जाता है इंडियन आर्मी को। ठीक वैसे ही यहाँ पर मरीन पुलिस और यहाँ तक कोस्ट गार्ड्स। लेकिन अगर कुछ कहीं पे ऑफेंस लॉन्च करना है, कोई मेजर हाई सी एरिया में अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है, फिर रोल होता है इंडियन नेवी का। तो दिस इज़ द 3 लेयर्ड कोस्टल सर्विलेंस स्ट्रक्चर, मरीन पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड देन इंडियन नेवी। ये दोनों डिफेंसिव हैं, ये है ऑफेंसिव फोर्स। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। देखिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने वाइस एडमिरल, रिटायर्ड वाइस एडमिरल G अशोक कुमार जी को हमारे देश का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया। सरल शब्दों में कहें तो अब G अशोक कुमार जी के लिए एक नया पोस्ट बनाया गया है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। और ये जो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होगा ये इंडियन नेवी का एक टॉप मोस्ट पोजीशन होगा। और ये नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर देश की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हेड करते हैं अजीत डोवाल साहब अभी के लिए, जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनको रिपोर्ट करेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग द स्ट्रक्चर। हमारे देश में है एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC, जिसको हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो अभी हैं अजीत डोवाल साहब। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है सरकार को सिक्योरिटी के मुद्दों पर रिकमेंडेशन देना। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करेंगे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, और ये नेवी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या सजेशंस हैं वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को देंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट G20 प्रेसिडेंसी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखते हैं G20 ग्रुपिंग के बारे में। तो G20 मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। एक्चुअली इसमें से 19 देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन विच इज अ ग्रुप ऑफ नेशन इन इटसेल्फ। तो ये हैं 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, टोटल G20 मेंबर्स। तो इनका नाम एक बार अच्छे से देख लेना। UPSC ने पिछले साल ही 2020 में ही इनसे रिलेटेड सीधा इनके नाम से रिलेटेड सवाल पूछ लिया था, ठीक है, कि इनमें से कौन G20 का मेंबर है। अगर आप G20 को देखें तो इसमें ज़्यादातर वो देश हैं जो इकोनॉमिकली रिच हैं, जिनका ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड में हायर शेयर है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन दीज कंट्रीज़। तो population wise, demography wise, they are significant one. 85% of world's GDP is produced by these 20 groups. 75% of international trade belongs to them and 80% of global investment belongs to them. G20 countries. ध्यान रखिए इंडिया भी इसका मेंबर है. अभी G20 समिट्स की बात की जाए, हर साल G20 मेंबर्स की एक बार मुलाकात होती है. तो G20 समिट 2019 में हुई थी जापान में, 20 में हुई थी सऊदी अरबिया में, 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में और अब 2023 में होने वाला है इंडिया में. ठीक है, तो एक्चुअली होना क्या था कि 2022 में होने वाला था इंडिया में और 23 में होने वाला था इंडोनेशिया में, लेकिन दोनों देशों ने आपस में मिलकर के स्वैप कर लिया, क्योंकि इंडोनेशिया ने कहा कि देखो भाई हमारे यहाँ आसियान मीटिंग होने वाली है 2023 में, तो एक ही साल में हम दो इंटरनेशनल मीटिंग नहीं करना चाहते. इसलिए इंडिया ने कहा ठीक है 2023 में आप आसियान कराओ, आप 2022 में G20 करा लो, 2023 में हम G20, इंडिया ने कहा हम करा लेंगे. अभी देखिए G20 मीटिंग कराने के लिए क्या होता है, एक साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है. जैसे 2023 में हमें कराना है तो उसकी एक साल पहले से अभी से अब तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की प्रेसिडेंसी स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 अप टिल 30 नवंबर 2023. तो 30 नवंबर 2023 को जाकर के G20 समिट 2023 का ख़त्म होगा, तब तक इंडिया की प्रेसिडेंसी रहेगी. 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक इंडिया विल बी प्रेसिडेंट ऑफ G20 ग्रुप, और प्रेसिडेंसी एक साल के लिए रहेगी. और जो भी प्रेसिडेंट रहता है G20 का, उसको एक सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश करना होता है एक साल के लिए. उस सेक्रेटेरिएट का काम होता है कि उस G20 समिट में जो भी इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं उसको एक जगह डॉक्यूमेंट करे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराए. तो यही न्यूज़ है. मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ अपने आप में ज़रूरी है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है. न्यूज़ यही है कि इंडिया को चूँकि 2023 में G20 समिट कराना है और 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक इंडिया की प्रेसिडेंसी रहेगी, और जो भी प्रेसिडेंट रहता है वो सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश करता है. तो इंडिया विल बी सेटिंग अप अ सेक्रेटेरिएट वेरी सून इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट और होस्ट G20 प्रेसिडेंसी ऑफ 2023. दिस न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इट इज़ कौन मेंबर हैं, क्या काम करते, कितना इन्फ्लुएंस है G20 कंट्रीज़ का. इस टॉपिक के बेसिस पे ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में सवाल पूछा गया था. आप ये कौन से मेंबर, इनको देख करके एक बार इसके बेसिस पे ये सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. The next article is taken from national segment. It is about scheme for de-notified tribes. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं ये de-notified tribes हैं कौन लोग. देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अंग्रेजों ने, कि फॉरेस्ट एरियाज से टिम्बर निकालने के लिए और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लेने के लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग कानून बनाए थे कि भाई लोकल ट्राइबल लोग वहाँ से टिम्बर नहीं ले सकते. तो इस तरह के फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा टिम्बर चाहिए था, लकड़ियाँ चाहिए थी रेलवे डेवलपमेंट के लिए. रेलवे ट्रैक्स में लकड़ियाँ लगती हैं, आज भी बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे रेलवे ट्रैक के नीचे लकड़ियों का टिम्बर रहता है. तो ट्राइबल्स को उन्होंने लकड़ियाँ पेड़ काटने से मना कर दिया, गैरकानूनी कर दिया टिम्बर काटना. उसके कारण कैसा है कि बहुत सारे ट्राइबल्स ने रिवोल्ट कर दिया, मास प्रोटेस्ट कर दिया और वायलेंट रिवोल्ट भी कर दिया. तो ब्रिटिशर्स ने इन तरह के ट्राइबल्स को जो ब्रिटिशर्स के इस फॉरेस्ट लॉ से अनहैप्पी थे एंड हु वर प्रोटेस्टिंग, उनके लिए ब्रिटिशर्स ने कानून पास किया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, और इनको क्रिमिनल डिक्लेयर करा दिया गया. पॉलिटिकल साइंस वाले इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे फूको से. फूको क्या कहते हैं, फिलोसोफर, पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर, कि भाई क्रिमिनल कौन है, जो सरकार की बातों से कन्विंस नहीं होता है, जिसको सरकार की बातें सही नहीं लगती हैं, लॉजिकल नहीं लगती हैं, प्रोटेस्ट करता है, सरकार उसको क्रिमिनल ब्रांड कर देते हैं. ठीक है, सो क्रिमिनल होना इज़ जस्ट ए पर्सपेक्टिव फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्रिमिनल का मतलब ये नहीं कि सच में वो बुरा आदमी है, ये फूको कहते हैं. चलिए कम बैक टू दिस पॉइंट. सरकार ने कानून बनाया अपने इंटरेस्ट से, लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया, तो इनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871. इनको लगभग 200 ट्राइब्स को डिक्लेयर कर दिया गया कि दे आर बॉर्न क्रिमिनल. तो इनके यहाँ पे नए बच्चे भी जो पैदा होते थे सबको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता था. दीज आर सम एक्सप्लॉयटेटिव लॉस यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स. अपने आप को वाइट मैन, सिविलाइज्ड मैन कहते थे. ठीक है, दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वाइट मैन बर्डन, लेकिन दे फॉलोड ऑल काइंड्स ऑफ इनह्यूमन नॉनसेंसिकल प्रैक्टिसेस. तो तब से लगभग ये 200 जो ट्राइब्स हैं ये नोटिफाइड क्रिमिनल्स की तरह माने जाते हैं. अब ब्रिटिशर्स ने 1935 में शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की एक लिस्ट प्रिपेयर की थी ताकि इनको रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड के अंतर्गत एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा सके। तो नेचुरली वो जो शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट प्रिपेयर की गई थी 1935 में उनमें इनका नाम नहीं था क्योंकि ये तो नोटिफाइड क्रिमिनल्स थे। ये लगभग जो 200 ट्राइब्स थे इनका नाम वो 1935 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स का लिस्ट प्रिपेयर किया गया था उसमें नहीं था। और एक गलती क्या हुई भारत सरकार से कि भारत सरकार ने जब ट्राइबल्स की लिस्ट अडॉप्ट की कि हमारे हिसाब से जब हम आज़ाद हुए तो हमारे हिसाब से जो हमने क्या किया कि कौन कौन लोग ट्राइबल हैं और उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी उनको रिजर्वेशन मिलता है कुछ, राइट। तो हमने ये 1935 वाला लिस्ट जो ब्रिटिशर्स ने प्रिपेयर किया था जिसमें इन तरह के नोटिफाइड क्रिमिनल्स को, सो कॉल्ड नोटिफाइड क्रिमिनल्स का नाम नहीं था, हमने वही लिस्ट ले लिया। तो मुद्दा यह है कि आर्टिकल 366 के हिसाब से हमने ब्रिटिशर्स वाला शेड्यूल ट्राइब्स का लिस्ट ले लिया जिस कारण से ये लोग जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से नोटिफाइड क्रिमिनल्स थे उनका नाम भारत सरकार के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ एसटी लिस्ट में नहीं था। और इसी कारण से भारत सरकार के जितने भी वेलफेयर स्कीम्स चलाए गए फॉर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी उसमें इनको फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि है तो हैं ये ट्राइब लेकिन ब्रिटिशर्स के हिसाब से क्रिमिनल्स थे। ब्रिटिशर्स ने जो लिस्ट बनाया उसमें इनका नाम नहीं था, हमने वही लिस्ट ले लिया फॉर ट्राइब एंड उनके वेलफेयर के लिए हम काम करने लगे। सो इस तरह से ये लोग छूट गए और ये लोग पूरी तरह से बैकवर्ड रह गए। नो रियल इम्प्रूवमेंट इन देयर लाइफस्टाइल इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दे फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी। वाई? द रीजन इज दीज ट्राइब्स कुड नॉट बेनिफिट एट ऑल फ्रॉम द वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज भी ये लोग आप देखोगे सड़क किनारे कई सारे इस तरह के ट्राइबल लोग, कोई बलून बेच रहा होता है, ब्रिज के नीचे सो रहे होते हैं, बेगिंग कर रहे होते हैं, ये सब ज़्यादातर आप इसमें से जब पता करोगे तो ये वही डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं जो ब्रिटिशर्स द्वारा नोटिफाइड क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिए गए थे। तो अब यही समस्या है कि इनको भारत सरकार की बेनिफिट्स, भारत सरकार की स्कीम्स के अंदर बेनिफिट मिलता नहीं है। सो दिस इज़ हाउ देयर कंडीशन बिकम वर्स एंड वर्स। अब जाकर के भारत सरकार ने इनके ऊपर फोकस करना शुरू किया है और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके लिए एक स्कीम लेकर के आई है। इसका नाम है सीड स्कीम, शॉर्ट में कहे तो फुल नाम है इसका स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये जो सीड स्कीम है ये 5 सालों के लिए चलाया जाएगा, 2021 से लेकर के 2026 तक। इसमें 200 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इसका 4 मेन कॉम्पोनेंट है। पहला, इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों को कोचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, इनके लिए नौकरियां, लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स डेवलप किए जाएंगे और इनको थोड़े बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाएंगे कि अपना अपना कुछ घर भी बना सकें। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके पास सिटीजनशिप तक का राइट्स नहीं है। दे आर काइंड ऑफ having refugees, they are living like refugees. Why? Because the Britishers के टाइम से ही इनको एक क्रिमिनल की तरह आइडेंटिफाई किया गया, तब से इनके पास कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। The next article is taken from economic segment. It is about Swamitva scheme. This topic is important from our syllabus paper for Indian economic point of view, especially from the segment rural development perspective. Swamitva scheme क्या है जरा समझो। देखो, rural areas में, गाँव के एरिया में जो कई सारे खेत हैं उनका लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है अंडर स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम, इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। इस इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ड्रोन्स की मदद से रूरल एरियाज़ का सर्वे किया जाएगा और रूरल एरियाज़ की फिर मैपिंग की जाएगी और फिर हर एक जो रूरल एरिया का डाटा है कि भाई ये ज़मीन, उसको डिजिटलाइज़ किया जाएगा, इसका कौन ओनर है उसको डिजिटलाइज़ किया जाएगा। दैट इज़ द पर्पस ऑफ स्वामित्व स्कीम। तो इस स्वामित्व स्कीम में लैंड रिकॉर्ड्स को, खासकर रूरल एरियाज़ में लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है ताकि लैंड को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट ना रहे रूरल एरियाज़ में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि एग्रीकल्चर को फ़ायदा मिलेगा, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा। कैसे जरा समझो। अभी कई सारे लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, जिनकी गांव में कई सारी ज़मीनें हैं, वो किसी को भी नहीं देते हैं गांव में अपनी वो ज़मीन खेती करने के लिए। उनको डर लगता है कि हम तो शहर में रह रहे हैं, हमारी ज़मीन गांव में है, अगर हमने किसी और को खेती पे दे दिया, जिसको हम लोग बटैया पे कहते हैं कि आधा तुम रख लोगे जो खेती कर रहा है और आधा हमें दे देगा। लेकिन कई सारे लोग गांव में अपनी पूरी पूरी ज़मीन को खेती पे किसी को नहीं देते हैं। कारण उनको लगता है कि हम तो शहर में रह रहे हैं, हमने ये ज़मीन किसी और को दी खेती करने के लिए, बाद में वही इस ज़मीन को कब्जा कर लेगा, तो अक्वायर कर लेगा फोर्सफुली। तो क्योंकि जो अभी तक के लैंड रिकॉर्ड्स डाटा हैं वो तो सरकारी फाइल, किताबें, कागज़ सड़ चुकी हैं। वो किताबों को और कागज़ों पे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो उनकी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो रही है बिकॉज दे आर गेटिंग म्यूटिलेटेड। लेकिन अब इस स्वामित्व स्कीम में क्या होगा कि गांव के जो भी लैंड हैं उसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, उसके जो ओनर हैं उसका नाम अच्छे से इनपुट कर दिया जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में, तो इससे ओनर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मेरी ज़मीन कोई नहीं ले सकता, तो आराम से वो अपनी ज़मीन को किसी और को खेती करने के लिए दे सकता है, और इस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके अलावा और भी क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या होगा इसमें, देखो डिजिटलाइज किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड को और सब ओनर्स को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा कि भाई ये ज़मीन आपकी है, आपके नाम की है, ये लीजिए प्रॉपर्टी कार्ड। सो प्रॉपर्टी कार्ड विल बी गिवन टू रेस्पेक्टिव ओनर। इससे कैसा होगा, इट विल हेल्प इन मैपिंग द रूरल इनहैबिटेड लैंड्स यूजिंग ड्रोन, और इससे कैसा होगा कि प्रॉपर प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन, इन सब में फ़ायदा होगा। इट विल ओपन अवेन्यूज़ फॉर अप्लाइंग फॉर लोन्स। अब गांव के अंदर जो किसान रह रहे हैं उनको प्रॉपर जब उनकी लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएगी, प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा, तो उसके लैंड के बदले में वो लोग लोन भी ले सकते हैं। तो बैंक वगैरह में अब लोन लेने के लिए जो उनको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, कोलैटरल भी रख सकते हैं, इस प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व स्कीम। और जो लैंड रिलेटेड तमाम डिस्प्यूट्स हैं रूरल एरियाज़ में, जिस कारण से लैंड का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो डिस्प्यूट्स भी खत्म हो जाएंगे। अभी करंट न्यूज़ बस ये है कि स्वामित्व स्कीम को तो वैसे लॉन्च हुए लगभग 2 साल हो गए, अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब स्वामित्व स्कीम का ओवरऑल फोकस एरिया बढ़ा दिया गया है। अब स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत इंडिया के अंदर जितने भी विलेजेज हैं, ऑल 6 लाख विलेजेज विल बी मैप्ड, डिजिटलाइज्ड, और उसके अलावा हमारे देश के 100 इंपॉर्टेंट शहरों की भी डिजिटलाइजेशन की जाएगी, उनके लैंड रिकॉर्ड की, और उनका 3D मैप बनाया जाएगा कि कहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये नदी है, ये नाला है। तो जो 100 इंपॉर्टेंट शहर है उनका 3D मैप बनाया जाएगा ताकि उनकी बेहतर अर्बन प्लानिंग हो सके। तो अर्बन प्लानिंग पे सवाल आ जाए तो लिख देना, रूरल डेवलपमेंट पे सवाल आ जाए तो स्वामित्व स्कीम लिख देना, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट पे या प्रोडक्टिविटी पे सवाल आ जाए तो भी स्वामित्व स्कीम लिख देना। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ओआईसी को लेकर के पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इंडिया इज नॉट इवन एन ऑब्जर्वर स्टेटस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, और दिस फेस्टिवल इज ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू मिसिंग ट्राइब्स, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।